नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। भारत ने दुनिया में कोरोना महामारी से आज संकट में है और भारत के कोने कोने में लोग लॉकडाउन हैं और अपने अपने घरों में पूरा परिवार है और कोई टीवी देख रहा है तो कोई खाना खा रहा है, कोई डांस कर रहा है। एक दो महिलाएं अगर घर में हो तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो महिलाएं घर में आज डांस का भी लुत्फ लेते देखा गया है। आज पूरा परिवार घरों में है, कोई आराम कर रहा है तो कोई खाना खा रहा है और घर में बाहर तो निकल नहीं सकते और अच्छी बात है निकले भी ना, तो वहीं पर महिलाओं ने डांस का मनोरंजन करते हुए देखा जा सकता है। आगे एक रिपोर्ट। जब लोग खाली हों और घर में हों और भक्ति जगानी हो तो ऐसा लगता है कि या भारत की इतिहास याद आती है, या महाभारत याद आती है, या रामायण याद आती है, गीता याद आती है। यही है, खाली समय में लोग कुछ न कुछ जो है देखना चाहते हैं या समाचार वगैरह देखना चाहते हैं। तो आज याद आया है रामायण की, तो देखिए रामायण लोग घरों में लगातार देख रहे हैं। प्रभु, जो संन्यास लेना चाहता है उसे आप राजा बनने को कह रहे हैं? सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता है? सुग्रीव, यदि समझो तो वही आदर्श राजा है जो मन से सन्यासी हो, जिसे सिंहासन सत्ता का लोभ न हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जनसेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी की भांति जिसका न ही कोई अपना होगा न कोई पराया होगा वही मोह ममता को त्याग कर
ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा। इसीलिए राजा को ईश्वर भी माना गया है। मित्र, यदि ऐसी वैराग्य भावना तुम्हारे अंदर स्थिर हो जाए तो तुम आदर्श राजा हो जाओगे। मैं आपसे किसी मुद्दों के साथ फिर मिलेंगे। आप अपना ख्याल, परिवार का, देश का ख्याल रखिए। जनहित में जारी। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।